वसंत नीलकंठ जी जी। नमस्कार। नमस्कार 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 जय, नमस्कार सर। ठीक हूँ ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। चलिए बहुत अच्छी मुलाकात हो रही है। हाँ बहुत बढ़िया मुलाकात हुआ। दादा प्रणाम सर। नमस्कार 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 जयंत दा। वसंत जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में ठंडी पड़ रही कि गर्मी? दिन में थोड़ी सी गर्मी है लेकिन शाम को अच्छा ठंडा हो जाता है। सही है सही है। कपड़े पहनना पड़ते? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ तो 12 महीने एक जैसा ही रहता है। छाल वाल पहन के रहते हैं लोग वहाँ पे पेड़ों पे? पूछ रहा हूँ मैं। नहीं यार वेदर अच्छा रहता है यार। ऊटी सबसे अच्छा, ऊटी। हाँ तो नजदीक ही है ना, ऊटी हमारे यहाँ से तो 1 घंटा ही है, काफी नजदीक है। चलो भाई शुरू करो अंताक्षरी। सर वो बहुत सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो रहे हैं इसके लिए मैं वो सब करने में लगी थी। वसंत सर हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि आपने अपने समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला और हमारी इस क्लास में हमारे साथ बात करना स्वीकार किया। इसके लिए हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विधिवत रूप से ये क्लास जो मैं इसको शुरू करती हूँ, ये क्लास अब आपके हैंड ओवर है, आप बात शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ और आज के संकट के समय में सब लोगों से विनती करता हूँ कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और डिस्टेंस बनाए रखें, सैनिटरी का उपयोग करें और ये प्रार्थना करें कि इस संकट से हम जल्दी से उबर जाएं। मैं उस समय बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के एक मालवा अंचल में एक लोक नाट्य प्रचलित है जिसका नाम है माच। मध्य प्रदेश में मालवा अंचल एक ऐसा अंचल है जिसमें ये कहा जाता है कि पिछले 2500 वर्षों में कभी वहां दुर्भिक्ष नहीं पड़ा, तो एक तरह की संपन्नता का द्योतक मालवा क्षेत्र हमें दिखाई देता है। और वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि पिछले 300 वर्षों के बीच में एक लोक शैली का जन्म हुआ जिसको माच कहते हैं। मालवा के बारे में ये कहा जाता है कि उसकी सीमा कैसी कहाँ पर है, ये बड़ी प्रसिद्ध एक दोहा है उसका, इत चंबल उत बेतवा मालो सीम सुजान, दक्कन दिशा है नर्मदा यह पूरी पहचान। मालवा एक समय में बहुत विशाल भूमि था जहां पर धन संपन्नता और प्राकृतिक वैभव पूरी तरह से वहां पर है। मालवा का पठार जो है वह विंध्याचल के ठीक ऊपर फैला हुआ है, इसलिए उसकी जलवायु और वहां का वहां की भूमि अत्यंत उपजाऊ है। मैं मूल विषय पर आता हूं कि मैं अपनी बात शुरू करता हूं एक बात से। चीनी दार्शनिक प्रकृति विज्ञानी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, शायद आप सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा उसे सुन करके, और वो है, उसका नाम है लाओत्से, दार्शनिक है। उन्होंने कहा कि इस आकाश के नीचे नया क्या है और इस धरती के ऊपर पुराना क्या है,
मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा लोक इस परिभाषा में आ गया है, सीमित हो गया है। जितना लोक है तो उसमें इस आकाश के नीचे कुछ भी नया नहीं है। हजारों साल से वो आकाश देख रहा है इस पृथ्वी, और जो पृथ्वी पर है उसमें पुराना कुछ भी नहीं है। प्रतिदिन पृथ्वी एक नया नए को अंकुरित करती है, नए को जन्म देती है। लोक भी कुछ इसी तरह से है। मालवा की भूमि में भी इस तरह का एक घटना 300 वर्ष पहले, यानी आप समझिए एक ऐसी भूमि यहाँ पर तैयार हो रही थी जिसमें लोक कलाएं पूरी तरह से अपने चरम सीमा पर थी, लेकिन एक संपूर्ण नाट्य नहीं था। पंचम वेद कहा जाने वाला नाट्य शास्त्र जिसको कहते हैं, भरत मुनि ने जो भी नाट्य शास्त्र में लिखा है उसका आधार लोक ही है। उन्होंने लोक को मनोरंजन करते हुए जो कुछ भी देखा उसको उन्होंने शास्त्र में लिख दिया, और इसलिए हमारी लोक कलाओं का भी मूल आधार वो है लोक की कलाएं। मालवा में माच का जो प्रादुर्भाव हुआ उसकी उस भूमि उज्जैन रही, और वो उज्जैन भूमि जो महाकाल की नगरी, सांदीपनी की नगरी, विक्रमादित्य की नगरी और कालिदास की नगरी थी, जहां से पुरातन सांस्कृतिक वैभव किसी भी नगरी, संसार की किसी भी नगरी से कम नहीं था, उस जगह से मालवा का माच उत्पन्न हुआ। और इसका श्रेय भागसीपुरा में रहने वाले एक गोपाल गुरु नाम से, इनका जन्म तो राजस्थान में हुआ था लेकिन वे मालवा में आकर के बस गए थे, और वे लगभग सन 1773 के आसपास मालवा में आए और उनके पिता यहाँ रहने लगे उज्जैन में। लेकिन वे राजस्थान में ख्याल के बड़े गुणी कलाकार थे, उनको ख्याल एक राजस्थानी नाट्य है जिसमें नृत्य और गायन का उपयोग किया जाता रहा, तो उन्होंने कुछ मालवा में इस तरह की चीज मन में उनके आई। एक सपना देखा उन्होंने कि यहाँ कोई एक ऐसा फॉर्म ऐसी विधा तैयार की जाए जो मालवी कलाओं के साथ में उसका एक स्वरूप बने। तो उन्होंने सबसे पहले जब वो 20 वर्ष के थे तो उन्होंने माच की रचना की और उसे वंचित करने का इरादा पक्का किया, और कुछ लोगों के साथ मिलकर की कुछ कलाकारों को लेकर के मालवी माच की शुरुआत की। यूं कहना चाहिए कि गोपाल गुरु भागसीपुरा के उज्जैन के रहने वाले थे और वे उसके आदि प्रवर्तक थे। उन्होंने सबसे पहले गोपी चंद हीर राजा भक्त प्रदात नामक के लिखे। माच की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो केवल मौखिक परंपरा की चीज नहीं रही, उसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार की जाती रही। शुरू में सबसे पहले स्क्रिप्ट तैयार की गई और वो गोपाल गुरु ने सबसे पहले भक्त प्रहलाद, हीर राजा, गोपीचंद जैसी स्क्रिप्ट तैयार की और उसका मंथन किया, भक्सीपुरा में ही किया, उज्जैन में ही किया। तब गोपाल गुरु की उम्र केवल 20 वर्ष थी। उसके पश्चात उन्होंने जैसे जैसे उनको सफलता मिलती चली गई, उन्होंने कई खेल, उस समय माच को माच नहीं कहा जाता था, उसे कहा जाता था खेल
ख्याल का माच, उसका खेल नाम दिया गया था, क्योंकि लोक नाटक की अगर हम परिभाषा करने जाएंगे तो लोक नाटक तो एक साहित्यिक नाम है जिसको साहित्यकारों ने गढ़ा है, और उसमें लेकिन परंपरा में, लोक परंपरा में कोई लोक नाट्य नाम का कोई शब्द नहीं है। वहां जो पारंपरिक रूप से जो नाट्य प्रचलित रहे हैं उन्हीं के नाम से जाना जाता था, जैसे मालवा में माच, नौटंकी, उसमें लोक नाट्य नहीं कहा जाता है परंपरा में। परंपरा में तो ये कहा कि आप नौटंकी कर रहे हैं या तमाशा कर रहे हैं या हवाई कर रहे हैं, कई तरह के इस तरह के लोक में प्रचलित लोक नाट्य तो साहित्य परिभाषित करने के लिए किया गया है। इसलिए परंपरा में लोक नाट्य का एक परिभाषित शब्द के रूप में साहित्य में लिया गया ताकि उसे समझ दिया जाए। ये नाट्य भी भरतमुनि ने जहां नाट्य और लोकधर्मी नाट्य की बात कही है वहां सारा समझ में आता है कि ये नाट्य शब्द जो है भरत मुनि के समय से प्रारंभ हुआ है, जिसका नाटक तक बाद में प्रवाह बना। मालवा के कुछ जब रचना की जा रही थी इन सालों की, इन खेल की माच के, तो उसके मंच की आवश्यकता पड़ती थी, तो वहां सबसे पहले मंच बनाया गया। तो मंच इतना ऊंचा बनाया गया कि क्योंकि उस समय चारों तरफ लोग बैठ करके खेल देखते थे, इसलिए मंच 8-10 फुट ऊंचा बनाया जाता रहा, और बड़ी बड़ी बल्लियों के सहारे से उससे पटिए रख करके बहुत ऊंचे स्थान पर, क्योंकि खेल पूरा रात भर चलता था इसलिए लोग आसपास बैठ करके उसको देखते थे। इतने ऊंचे मंच के कारण इसका नाम माच पड़ा। धीरे धीरे गोपाल गुरु के खेलों ने इतनी प्रशंसा और इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर ली कि उनको दूर दूर तक लोग बुलाने लगे, और वह एक तरह से स्थापित। प्रवर्तक है उसके पश्चात इसको विस्तार दिया है पाल मकुंद गुरु ने, जो उज्जैन के रहने वाले थे और जयसिंहपुरा के रहने वाले थे, और उन्होंने इसकी भी बड़ी बहुत सुंदर कथा है कि एक बार गोपाल गुरु का खेल किया जा रहा था उज्जैन में, तो ये उसे देखने चले गए। इनके साथ एक मित्र थे जो तांत्रिक थे, जिसे जिनका नाम था सुखराम यति। बहुत भीड़ होने के कारण वे मंच के पास में जो सीढ़ी लगी थी उस पर बैठ गए, तो जो गोपाल गुरु के कलाकार थे या निर्देशक थे उनको बुरा लगा और उनको कुछ भला बुरा कह दिया, और यहां तक बात बढ़ी कि अगर तुम खेल ही देखना चाहते हो तो तुम अपनी मंडली बना लो। तो उनको बाल मकुंद गुरु को बहुत बुरा लगा और वे अपने मित्र के पास जा करके रास्ते में जब महाकाल की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक छोटा बालक देखा जिसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे, और वो सामने से तो दिख रहा था लेकिन जब पास से निकल के गया तो धीरे धीरे विलुप्त हो गया, लेकिन उसके घुंघरू की आवाज उनको आती रही। कहते हैं कि जिस जगह पर घुंघरू की आवाज समाप्त हुई वहां पर एक सेंदूर लगा हुआ पत्थर दिखाई दिया जिसे भैरव कहा गया। इसलिए माच में भैरव की स्तुति भी सबसे पहले की जाती है, और इसके रंग रूप इसका स्वरूप बनने में जिन मालवी कलाओं ने सबसे बड़ा योगदान दिया, पहले तो ये राजस्थानी ख्याल के जो गीत है संगीत है उसको गोपाल गुरु ने सबसे पहले अपने माच में जगह दी, लेकिन उसके साथ साथ उनकी धारणा थी या उनका सपना था कि इसमें मालवी कलाओं को भी मैं इसे जोड़ करके एक नया रूप देना चाहता हूँ। उन्होंने मालवा की विभिन्न कलाओं को
जो उस समय परंपरा में प्रचलित नहीं थी, उनके उनके गीत संगीत और नृत्य को लेकर के मार्च में डालना शुरू किया। इससे एक नया रूप मालवा में उपस्थित हो गया जिसको मार्च कहा गया। ये कौन सी कलाएं थी मालवा में जिन्होंने मार्च को उसके स्वरूप बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया, वो ऐसी कौन सी कलाएं थी? सबसे पहले तो एक धाराधारी एक खेल हुआ करता था जिसमें शिव और पार्वती का स्वांग देकर के मंदिरों में उसे गाया और नृत्य किया जाता था। उसके गायन और अभिनय पक्ष को गोपाल गुरु ने अपने मार्च पे लिया। दूसरा महत्वपूर्ण है कलगीतुर्रा। मालवा में उस समय कलगीतुर्रा का बड़ा जोर था और उसके कई उस्ताद, क्योंकि कलगीतुर्रा में जवाब सवाल होता है और मालवा में एक कलगीतुर्रा का स्वरूप जो है वो नीमच और रतलाम की तरफ नाट्य का रूप भी है। उसके बहुत सारे आस्पेक्ट, बहुत सारे जवाब सवाल, क्योंकि मार्च में जवाब सवाल होते हैं जी। उसमें जो गजल गाई जाती है, जो संवाद होते हैं, वो गीत और संगीत भी होते हैं। और जहां तक लोक नाट्य का सवाल है, लोक नाट्य प्राय नृत्य और नाट्य पर केंद्रित हुआ करते हैं, संवाद बहुत कम होते। परंपरा में देखा गया है कि उसमें संवादों की बहुत कमी रहती है, लेकिन उसके साथ साथ नृत्य और उसका संगीत दोनों लोक नाट्य में होता है। वही शैली मार्च में भी अपनाई गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके मार्च के सारे कलाकार पुरुष ही होते थे। इसमें स्त्री का वेश धारण करने वाले पुरुष ही होते हैं और वे नृत्य और गायन में पारंगत होते हैं। संवाद उनके गीतात्मक होते हैं जिसको गीत लिखे जाते हैं। तो ऐसे में मालवी संस्कार गीतों का मार्च में सबसे अधिक उपयोग किया गया। जैसे विवाह गीत में, जब अगर विवाह हो रहा है किसी नाटक में, नाटक के प्रसंग में, तो विवाह में जो हल्दी लगाई जाती है, बाना फिराया जाता है या भावत की जाती है, साथ फेरे किए जाते हैं, उसमें जो गाया जाता है, वो गीत परंपरा के गीतों को नए तरीके से लिख करके मार्च में प्रस्तुत किया जाता है। ये कथाएं जो लिखी जाती हैं वो एक संपूर्ण रूप से स्क्रिप्ट के रूप में होती है और उसको लोग अभ्यास करके कलाकार तैयार होते हैं और फिर वंचित किया जाता है। प्रारंभ में इसके अभिनय और नृत्य पक्ष को देखें या भाव पक्ष को देखें, इसके रचना विधान को देखें, तो लगता है कि ये उन कलाओं से जो प्रसंगानुकूल विषय पर कुछ बना करके गाए जाते थे, उनको लेकर के मार्च में सबसे बड़ा काम किया गया, सबसे बड़ा उसका सौंदर्य इकट्ठा किया गया। ऐसा कहा जाता है कि पंडित कुमार गंधर्व ने एक बात बहुत इस मार्च के धुनों को लेकर के और अपने मालवी धुनों को लेकर के बात कही गई है। वे कहते हैं कि लोक धुनों की स्वर रचना प्रसंगानुरूप भी होती है। इन स्वरों में प्रसंग के अनुरूप भाव व्यक्त होते हैं। उदाहरण के लिए इधर मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र के गांवों की और कहीं कहीं बलि का आयोजन किया जाता है, उस समय जो धुन गाई जाती है उसके स्वर रचना में विभत्स भावों का संचार होता है। मुझे जो धुन प्राप्त हुई है उसका ऋषभ इतना विचित्र लगता है कि सुनने वाले को रोमांच हो जाता है। मैंने स्वयं प्रयोग कर यह अनुभव किया है। झूले की धुनों में झूले के दोलन यानी पेग जिसको कहते हैं बहुत स्पष्ट और मार्मिक होते हैं। शास्त्रीय संगीत में भावना को स्वरों में व्यक्त करने के लिए संपूर्ण शक्ति खर्च करनी पड़ती है, परंतु बहुत कम गायकों को भिन्न भिन्न स्वरूपों को व्यक्त करने की कला हस्तगत हुई है।
उनका मानना था कि लोक गीतों में ये स्वाभाविक रूप से होता है और शास्त्रीय संगीतकार को बड़ी मुश्किल से उसके लिए प्रसंग को रचना पड़ता है, तब जाकर के वो कलाएं जो है चलती है। माँ का स्वरूप धीरे धीरे इसी तरह से बाल गुरु तक आते आते, गोपाल गुरु ने तो उसे शुरू किया, वे आदि पुरुष हैं, लेकिन सबसे अधिक रंग अपनी रचनाशीलता से और कल्पनाशीलता से सबसे अधिक रंग भरे बाल मुकुंद गुरु ने। उन्होंने कई उन्होंने उनका सपना था कि वे 32 खेल लिखेंगे, लेकिन अपने जीवन में वे 16 खेल ही रच पाए, जिसमें भर्तरी का भी महान एक रचना थी माच की, जो आज तक खेली जा रही है, और भर्तरी के साथ में उन्हें 16 खेलों को रचा, जिसमें से उनके 11 खेल प्रकाशित हुए उस समय। ये 1838 के आसपास की बात है, जब उनके 10 खेलों का प्रकाशन उज्जैन के किसी प्रकाशक ने ही किए थे, और कहते हैं कि उनका जो भर्तरी लोकनाट्य माच था उसकी हजारों प्रतियां बिक चुकी थी उस समय, और उसको गांव-गांव में खेला जाने लगा। मूल भूमि तो उसकी उज्जैनी रही, इसके साथ साथ वहां पर और भी बाद में बहुत सारे अन्य गुरु भी हुए जिन्होंने अपनी रचना धर्मिता से माच को लिखा। और आज हम देखते हैं कि माच की लगभग 125 से अधिक पांडुलिपियां और रचनाएं हमें मिलती है, जिसमें उसी समय अधिकांश जो है कुछ प्रकाशित भी हुई है और कुछ अभी पांडुलिपि के रूप में हैं। वर्तमान में हम देखें कि लगभग 300 वर्ष के इतिहास में माच को जो स्थान मिला, जो लोकप्रियता मिली, कहते हैं कि माच को देखने के लिए लोग 20-20 कोस से बैलगाड़ी जोत करके आते थे और रात रात भर खेल देखते थे, माच का खेल देखते थे। कहते हैं कि माच का खेल रात के 10 बजे शुरू होता था और वो सुबह प्रातः काल तक चलता रहता था। इतनी लोकप्रियता शायद लोक नाट्यों में हमारे मध्य प्रदेश में किसी भी नाट्य को नहीं प्राप्त हुई है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इन गुरुओं के कारण माच लोक नाट्य एक संपूर्ण लोक नाट्य की तरह हो गया, एक संपूर्ण लोक नाट्य को बनाया। परंपरा में बहुत सारे इसमें एक गम्मत की जाती है, गम्मत एक बहुत पारंपरिक छोटे 8 से 15 से 20 मिनट के करने वाले कुछ हास्य प्रसंग हुआ करते हैं जिसको गम्मत कहा जाता है, और वो परंपरागत उसकी स्क्रिप्ट मौखिक रूप से बनाई जाती थी, उसका लिखित कुछ भी नहीं होता था। आज भी गम्मत जो है लोक नाट्यों की रीढ़ है, छोटे छोटे प्रसंग, हास्य प्रसंग, व्यंग और सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग करने वाले ऐसे गम्मत माच में किए गए। माच का भी एक मुख्य आधार गम्मत भी रहा है, जिसमें अभिनय करने वाले लोग और उसको व्यक्त करने वाली संगीत में बहुत सारी चीजें ऐसी मार्मिक चीजें थी जिनको लोग आकर्षित होते थे, जिससे आकर्षित होते थे। एक बात जरूर कही जाती है कि माच में स्त्री का प्रवेश बाल मुकुंद गुरु ने एक बार करवाया था, जिस समय एक बहुत शास्त्रीय संगीत गायिका उज्जैन में थी जिसका नाम था बाबा जान, जिसको गौहर गोसाई भी कहते थे, और वह शास्त्रीय संगीत की बहुत अच्छी गायिका थी। उसको लेकर के बाल मुकुंद गुरु ने ही उनको माच में प्रवेश किया था, लेकिन बहुत अधिक सफलता उनको इसलिए नहीं मिली कि एक तो पूरी रात किया जाने वाला मंच होता था माच, और पूरी रात में एक स्त्री के लिए इतना दमखम शायद संभव ना हो, इसलिए पुरुष वर्ग ही उसमें स्त्री बन करके नाच और गायन का भूमिका अदा करते रहे हैं। और इसका बाद में भी कुछ प्रयोग हुआ, जब
सिद्धेश्वर सेन के समय तक मार्च आया तो उसमें उन्होंने आकाशवाणी के लिए जो मार्च लिखे उन्होंने उसमें कुछ महिलाओं का भी भूमिका के लिए उन्होंने प्रयोग किए थे, जो गायिकाएं भी होती थी और अभिनय भी करती थी। क्योंकि मार्च में मुख्य भाग गायन का होता है, इसलिए उसमें गाने के लिए बहुत साधना की जरूरत होती है, अभ्यास की जरूरत होती है कि रात रात भर तक अगर वो गा सकती हो तो ही वो उसमें दम खम होगा, तो ही वो मार्च चल सकेगा। इस कारणों से भी मार्च में और लोक नाट्यों में प्राय पुरुष स्त्री का भूमिका निभाते रहे हैं। अब एक ये समाज की आवश्यकता पर भी ऐसा कहा जाता है कि मार्च में लुभाने के लिए कुछ अश्लीलता भी एक समय में आई थी, आई और उससे नव युवक आकर्षित होकर मां देखने के लिए लालायित होते रहते। बीच बीच में ऐसे प्रसंग डाल दिए जाते थे मार्च के खेलों में जिसमें कुछ अश्लीलता का भी भाव हुआ करता था। इसलिए मार्च देखने के लिए एक समय में यह प्रतिबंध लगाया गया कि उसे स्त्रियां नहीं देखेंगी और स्त्रियों को मार्च को देखने के लिए मनाई की जाती थी। तो उसके लेकिन मार्च के मार्च का जो स्वरूप था, मार्च में जो एक धारणा शक्ति थी वह तो इतनी अत्यधिक थी कि उसने कभी भी अपने मंच पर अभिनेता की, संगीत की और कथा तत्व की, कथानक की कभी भी कमी महसूस नहीं की। इतने सारी स्क्रिप्ट लिखी गई उस समय में पिछले 150 वर्षों में कि आज सभी खेलों को संकलित करके अगर एक जगह प्रकाशित किया जाए तो एक बहुत बड़ा काम, रचनात्मक काम हो सकता है और मालवा के उस धरोहर को हम संभाल करके रख सकते हैं। जहाँ तक संगीत का सवाल है, मालवा का मालवी संगीत भी बहुत कुछ इस मार्च को बढ़ाने में सहयोग करता रहा है। मार्च में जो ढोलक बजाई जाती है इसके मुख्य दो ही वाद्य हैं, एक तो ढोलक होती है और दूसरी सारंगी। प्रारंभ में सारंगी ही इसका मुख्य आधार था इसका संगीत, और ढोलक तो मुख्य रूप से ही उसमें केंद्रीय वाद्य के रूप में हमारे सामने आती है। मार्च की जो बजाने की तालीम है या बजाने के जो तरीके हैं वो कोई बहुत सिद्ध कलाकार ही बजा सकता है, क्योंकि मार्च में ढोलक पर ही पूरा नाट्य चलता है। ढोलक की ताने जितनी तेज गति के साथ और जितनी झटकेदार बजाई जाएगी उतने ही मार्च में आकर्षण बढ़ता चला जाता है और लोग उसको सुनने के लिए खींचे चले जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि रात में जब मार्च की ढोलक बजती है तो लगभग 10-10 या 12-12 कोस तक उसकी आवाज सुनाई देती थी, ऐसा लोग कहते हैं। और शायद प्रत्यक्ष अनुभव भी उन्होंने किया होगा कि बहुत दूर तक वो उसकी मार्च की रंगतें, मार्च की ताले, मार्च की थसक और मार्च की जो ढोलक की ताल धुने हैं वह लोगों को सुनने के लिए मजबूर करती है। कई लोग तो 12 बजे तक बिस्तर से उठ करके मार्च देखने के लिए दौड़ पड़ते थे और ये दृश्य मैंने खुद भी देखा है। मैं खुद भी बचपन में मैंने मार्च कई बार देखे तो मैंने देखा कि हजारों की संख्या में लोग मार्च देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं और वहीं पर पूरी रात बिताते हैं। और कभी कभी जब थोड़े वो प्रसंग भी आते हैं जब असली तत्व का भाव होता है तब उस समय उनको जगा दिया जाता है और फिर से एक चेतन में वातावरण हो जाता है और मार्च को फिर से उन खेलों में फिर से वापस संकलित कर लिया जाता है और फिर से लोग लौट आते हैं मार्च में। इस तरह से मार्च एक बहुत ही संपन्न और समृद्ध विधा के रूप में मार्च मालवा में विकसित हुआ और
आज हम देखते हैं कि मार्च के बाद कम कलाकार रह गए हैं, समय और भूमंडलीकरण दौर में और सिनेमा और टेलीविजन के दौर में मार्च के कलाकार बहुत कम रह गए हैं। बीच में ऐसे गुरु भी होते रहे हैं जिन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। बाल मुकुंद गुरु के परंपरा में सिद्धेश्वर सेन थे जिन्होंने बाद में करीब 32 से अधिक मार्च लिखे मार्च और उन्होंने खेले उसको। फिर एक कालूराम उस्ताद थे उज्जैन में ही जिन्होंने सबसे अधिक मार्च लिखे और उनके पौत्र अभी भी वर्तमान में जिनका नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा मार्च का खेल करते हैं। ओम प्रकाश शर्मा को सबसे बड़ा श्रेय ये जाता है कि वे कालूराम उत्पाद के पोते रहे हैं और उनके परंपरा में मार्च जो है वो चलता रहा है। कालूराम उस्ताद स्वयं इतने सिद्ध कलाकार थे गायन में कि मार्च की धुनें उन्होंने कई नई धुनों का जन्म लिया उन्होंने और उसमें शामिल किया है। वैसे ही ओम प्रकाश शर्मा ने मार्च को एक शास्त्रीयता प्रदान की। ओम प्रकाश शर्मा जी ने स्त्रियों का भी प्रवेश मार्च में करवाया और शास्त्रीयता के साथ उसके गायन वादन और प्रस्तुतिकरण तीनों में उन्होंने एक नया रूप गढ़ा है जो वर्तमान में आज भी मार्च में देखा जा सकता और आज भी वे सक्रिय हैं। अभी राजा रिसालू उन्होंने भोपाल में नामक मार्च किया था जो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के छात्रों ने किया जिसमें लड़कियां भी थी और पुरुष भी थे। तो एक शास्त्रीयता प्रदान करने का श्रेय तो मैं सोचता हूँ कि ओम प्रकाश शर्मा जी को है। वो आज भी इसमें अपनी गहरी रुचि और गहरा समर्पण लिए हुए हैं ये मार्च के। लेकिन मार्च का भविष्य मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो मार्च मंडली चलाते हैं उनके पास आर्थिक आधार नहीं है क्योंकि मार्च में लगभग 15 से 20 कलाकारों का नियमित आना जाना और अभ्यास करना जरूरी होता है और इसके लिए समय धन और इसकी आवश्यकता होती है। मार्च को धीरे धीरे आज हम सिद्धेश्वर सेन की मंडली में उनकी लड़की इसको चला रही है मार्च को। उज्जैन में 2-3 मंडलियां हैं जो बराबर मार्च का खेल कर रही हैं लेकिन फिर भी उनको उतने खेल करने की आवश्यकता की जरूरत होती है और जरूरत है कि अभी भी मार्च को फिर से अगर पुनर्जीवित किया जाएगा तो उसकी लोकप्रियता उसी तरह से प्राचीन समय में जो होगी वो अभी भी याद की जा सकेगी और फिर से हम उसमें जुड़ सकेंगे। लेकिन लोक नाट्यों के साथ दुर्भाग्य यही हो रहा है कि परंपरा के लोक नाट्यों को एक सिनेमा और दूरदर्शन के सीरियल शायद ये लीलते चले जा रहे हैं और हमारी पारंपरिक कलाओं को जो क्षति हो रही है उसको बचाना उसको संरक्षित करना हमारा सब हमारी पीढ़ी का काम है। आप जैसे गुणी लोगों के बीच में अगर मार्च फिर से आपको देखने का मिले या उसके लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं तो जरूर कीजिए क्योंकि वो मध्य प्रदेश का एकलौता ऐसा लोक नाट्य है जो भारत के अन्य लोक नाट्यों के बराबर खड़ा हो सकता है होता है और हो रहा है। पिछले 50 सालों से लगातार सिद्धेश्वर सेन दिल्ली से लगा करके भारत के उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के शहरों में लोक नाट्य लेकर के गए हैं और उसको भारत के लोक नाट्य परंपरा का एक राष्ट्रीय नाट्य माना जाने लगा है और उसकी गिनती मध्य प्रदेश के कारण या उसके ख्याति के कारण मध्य प्रदेश में प्रचलित लोक नाट्य का स्थान एक कला के रूप में और लोक नाट्य के रूप में आज भी अक्षुण्ण है। हमें उसे बढ़ाने की जरूरत है। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ थोड़ा विश्राम दिया जाए।
क्या कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो निर्गुण है सर। हेलो जयंत। हाँ हेलो जयंत से भाई मैं पूछूंगा कि आप मेरे पीछे इस वक्त से कुछ थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे, फिर भी अरे आप नहीं नहीं आपकी ज्यादा जानकारी है। और मेरा जैसे प्रश्न ये था कि अभी माँ ओम जी तो अभी भी हैं और ओम जी के साथ हम लोगों ने रंगमंडल में मार्च भी किया है। रंगमंडल में भी उन्होंने एक बढ़िया काम किया था। हाँ और आपने शायद कुछ अभिनय भी किया था मुझे याद है। हाँ हाँ राजेंद्र अवस्थी में बहुत सारे लोग थे उसमें। ये अखाड़ा अखाड़ा क्यों अखाड़ा क्यों कहते हैं? द्वारका भी था। द्वारका को तो हमने नाचते हुए देखा है। ओम प्रकाश के नाट्य में। हाँ जी जी नहीं पर इनको अखाड़ा क्यों कहते हैं अखाड़ा? हाँ दरअसल क्या होता है कि एक समय में मंच का नाम अखाड़ा था। अच्छा हाँ मंच को ही अखाड़ा कहते थे है ना। अखाड़ा एक दल मतलब दल है एक तरह का मतलब जैसे नाट्य की दल है तो उसको अखाड़ा कहते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो लोक नाट्य माच है ना ये कभी तांत्रिक रूप में भी इसको देखा गया है और जो मंच बनाया जाता था उस मंच को मंत्र से बांध दिया जाता था सर, और शुरू में जो भगवान की जो पूजा की जाती है ना शुरू में जब इसकी खम्भ स्थापना होती है तो भगवान की पूजा की जाती है। उस समय भगवान का जो मंत्र होता है वो पढ़ करके उसे क्लिप किया जाता है ताकि खेल की सफलता के लिए ये सब किया जाता है। तो अखाड़ा जो है वो एक तरह का मंच है। अखाड़े से मतलब पहलवान का अखाड़ा भी होता है लेकिन ये अखाड़ा खेल का अखाड़ा होता है। सर हमारा समय खत्म होने वाला है तो यदि वीडियो कट जाए तो वापस से आप रिज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि कुछ सवालों के जवाब आदान प्रदान होगा तो अच्छा रहेगा। हेलो निर्गुण सर मेरा। हेलो निर्गुण सर अभी रुक जाइए सेकंड टाइम आप ज्वाइन होंगे सेकंड वाले में पूछ लेना अभी क्योंकि वो कट जाएगा बात भी नहीं हो पाएगी कट जाएगा ना। हाँ नहीं हो पाएगी अब सेकंड सेकंड में कर लीजिए बातचीत अपनी। हाँ 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 सेशन होगा। हाँ हाँ मुझे भी कुछ बात करनी है क्योंकि मैंने पापा से सुना है कुछ। हाँ 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 जी